Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy Sanya. Hope you all are good. I'm back with a new video और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक simple subtle office और college wear makeup look. बिल्कुल simple है as you can see. कोई भी harsh contouring वगैरह या eye look भी बिल्कुल ही subtle रखा है मैंने. So कैसा लग रहा है makeup look मुझे comment section में ज़रूर बताना और अगर जानना चाहते हैं that how I created this look तो video में बने रहिएगा. तो आइए शुरू करते हैं makeup. लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ये लुक अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको, डू लाइक शेयर एंड अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. उसके बाद शुरू करते हैं आज का मेकअप लुक. सो कर दिया, पक्का कर दिया ना. सो आइए लेट्स इट गो. तो आइए शुरू करते हैं आज का मेकअप. सबसे पहले एज यूजुअल हम स्किन केयर पर चलेंगे. सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेस शॉप का वाइट सीड रेंज का सीरम है. ये कॉम्बो पैक लिया था मैंने, काफ़ी अच्छा लाइट वेट सा सीरम है, समर के लिए काफ़ी अच्छा है और आई लाइक इट. देन लिप बाम मैं यूज़ करूँगी हिमालय का. आज ना पूरी वीडियो में फोकस करने में मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह की. सो मैं बता दूँगी तो आप सुन लेना. सो हिमालय का मैंने लिप बाम यूज़ किया. स्किन केयर के बाद 2 मिनट का वेट करेंगे देन मेकअप पे चलेंगे. प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर स्क्वीन का पोर फिलिंग प्राइमर है. काफ़ी बजट फ्रेंडली है, मतलब वैसे लैक्मे का प्राइमर पर्पल का प्राइमर मुझे पसंद है बट वो थोड़े से कॉस्टली साइड पे चले जाते हैं. ये बजट फ्रेंडली है सो अगर आप कुछ सस्ते में देखना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अच्छा प्राइमर है. पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ करूँगी इन द शेड ओरिजिनल और फिर डॉट डॉट करके फेस पर लगा देंगे एंड या देन उसे ब्लेंड कर देंगे. डॉट डॉट करके लगाने का क्या फ़ायदा हो जाता है ना, क्योंकि हम ब्यूटी ब्लेंडर से ड्रैग नहीं कर सकते, ब्यूटी ब्लेंडर से हमें डैब करना होता है. सो अगर डॉट लगाई होगी तो वहीं पे ही वो फाउंडेशन ब्लेंड होगा. सो इसीलिए डॉट करके लगाने से कवरेज अच्छी सी मिल जाती है. देन मैं यही मेरी जो बीबी क्रीम है उसी से ही कंसीलर का भी यूज़ कर रही हूँ. मतलब जहाँ जहाँ मुझे कंसीलर लगाना है वहाँ मैं डबल लेयर लगा रही हूँ बीबी क्रीम की, सो दैट मुझे कवरेज भी मिल जाए और अलग से कंसीलर भी ना लगाना पड़े. देन मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट. ये नया ही आया था लैक्मे का रेडियंस फेस इट नाम है आई थिंक इसका, और इससे फेस को सेट कर दूंगी. अच्छा है डेली यूज़ के लिए, अच्छा है और काफ़ी बजट में आ जाता है. मतलब आई थिंक 120 या 150 रुपये का था. स्विस ब्यूटी की ब्राउ पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 01 और ब्राउज़ को फिल इन कर लेंगे. एक्स्ट्रा आउटलाइन नहीं लगानी है, जस्ट गैप है जो उनमें ब्लैक और ब्राउन में मिक्स करके फिल इन करती हूँ. आपके आईब्रोज़ का जो भी शेड हो वो लगा सकते हैं. देन मैं कंटूर पैलेट ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की और इसका ये ब्राउन शेड लेके इसे अपनी क्रीज लाइन में लगा रही हूँ. बिल्कुल रफ हैंड से लगा सकते हैं, कोई भी आपको बिल्कुल प्रॉपर होने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी की HD टेक्सचर पैलेट से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ. ये थोड़ा सा डार्क है प्लस शिमरी है, इसे मैं अपनी आईलिड पे प्लेस कर दूंगी. बस आज का आई लुक यही होने वाला है क्योंकि हम न्यूड में मेकअप लुक में जाने वाले हैं, न्यूड मेकअप लुक में. सो देन हम चलेंगे लोअर लैश लाइन में. लोअर लैश लाइन पे फिर जो थोड़ा सा हार्श लाइन लगती है ना उसे ब्यूटी ब्लेंडर कह रही हूँ सॉरी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर देंगे एंड दैट्स इट, आई लुक कम्प्लीट. काजल मैंने बहुत कोशिश की फोकस में लाने की, नहीं आ रहा था सो मैंने बता दिया ये मामार्थ का है. मतलब काफ़ी कॉस्टली है ये काजल लेकिन मुझे उतना खास पसंद नहीं आया ये टू बी फ्रैंक. इससे अच्छा NYBA का 90 रुपीज़ का आई थिंक काजल आता है एंड वो जेट ब्लैक काजल है, इससे मुझे नहीं मज़ा आया. देन NYBA का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ. NYBA के आई लाइनर की ना टिप बहुत अच्छी है, इससे विंग इतने ईजीली बन जाते हैं ना. मतलब मुझे मेबलिन का वो येलो वाला आई लाइनर बहुत पसंद था लेकिन जब से मैंने ये लगाया ना ओ माई गॉड आई एम इन लव विद दिस आई लाइनर. और अब है पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट की टर्न है जो है लॉरियल का मस्कारा. ओ माई गॉड दिस इज़ माई ड्रीम मस्कारा और फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ. मुझे पसंद आया, आइनर की वजह से आई थिंक उतना लुक नहीं आ रहा वीडियो में बट सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था एंड इससे लैशेस बहुत अच्छे से लिफ्ट अप हो जाती है. सो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा और देखते हैं आगे कैसा जाता है. मैं फर्स्ट टाइम में ना बिल्कुल कंप्लीट रिव्यू नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है आगे मुझे ना पसंद आए. स्विस ब्यूटी की ब्लश पैलेट ले रही हूँ और इसमें से पीच ब्लश लेके एंड देन इसे लगा लेंगे क्योंकि हमने न्यूड में जाना है. थोड़ा सा ज़्यादा पिंकी ब्लश हो गया था तो हम इसे कैसे सेटल करेंगे वो आप देखना. मैंने लिया है कॉन्टोर पैलेट वेट एंड वाइल्ड का.
फिर मैंने ब्लश ब्रश पे ही वो लगाया है, देन कंटूर लाइन पे लगाने के बाद उसे ब्लश के साथ मिक्स कर दिया, सो दैट ना मेरा ब्लश भी न्यूट शेड में आ गया और बाकी कंटूर लाइंस में भी अपना कंटूरिंग शेड डाल दिया है। एंड देन लिप बम एक्स्ट्रा रिमूव कर लेंगे और आएंगे लिपस्टिक पार्ट पे। स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर और लैक में एब्सोल्यूट की न्यूड लिपस्टिक यूज़ करूँगी और यहाँ हमारा लिप शेड भी कम्प्लीट हो जाएगा। और चलिए अब आप इन्जॉय कीजिए मेरी फाइनल फिनिश लुक। मैं मिलती हूँ आपसे एक ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। देन बाय बाय, और वीडियो को पूरा देखकर जाना, ऐसे मत चले जाना। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक। कैसा लग रहा है आज का मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है मेकअप तो प्लीज़ लाइक किया कीजिएगा। लाइक्स नहीं आ रहे हैं और व्यूज़ आप अच्छे दे रहे हैं। आप लोगों को लास्ट वीडियो अच्छी लगी, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को इतनी अच्छी लगी, लेकिन लाइक भी कीजिए साथ में। और या इसके साथ एंड करते हैं आज का मेकअप लुक, और कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। मैं मिलती हूँ आपसे एक ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।